वेलकम टू डे टू डे लाइफ। और आज जो है वीडियो वो आपका मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज हम लोग दिखाने वाले हैं आपको अपना छोटा सा गार्डन। और ये वीडियो बहुत दिन से शूट कर रही हूँ, कभी कोई फ्लावर्स आते थे वो ख़राब हो जाते थे, मैं दूसरों का वेट कर रही थी, पर आज हमारे पास जो जिस ब्लूम का मैं वेट कर रही थी वो आ गया है। ये देखिए, इनफैक्ट गुलदाउदी, क्रिसेंथमम, और ये कुछ डिफरेंट टाइप की होती है। ये इसका फ्लावर कुछ इस तरह का है, और इसके साथ ही कुछ ग्लाइडोलियस भी आ गए हैं जो और भी अच्छे लग रहे हैं। पीछे हमारा नींबू का अचार रखा है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर कलर के ग्लाइडोलियस हैं। ये भी बहुत सुंदर था और ये भी। तो हम गार्डन टूर की शुरुआत करते हैं अपने आउटर गार्डन से, मतलब जो बाउंड्री के बाहर है। और यहाँ पे भी हम लोग गुलदाउदी लगाते हैं। यहाँ पे पीली और सफ़ेद गुलदाउदी है, और पीछे जो आप देख रहे हैं ये एवरग्रीन प्लांट्स है, ये हमेशा ही ऐसे होते हैं। और इसमें कुछ कैक्टस भी हैं। और अब हम चलते हैं घर के अंदर, और सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ये बहुत सारा बोगनवेलिया की हेज है, और इसमें बहुत सुंदर फ्लावर्स आते हैं। और ये हमारे नेबर्स का है, और ये ग्रीन क्रिसेंथमम, एक्चुअली ये ग्रीन गुलदाउदी है। और ये ख़राब होने लगी थी, येलो वाली आ नहीं रही थी, इसीलिए बड़ा मिसमैच हो रहा था इस वीडियो को बनाने में। और यहाँ पे थोड़े से गेंदे के फूल हैं, और साथ में है सफ़ेद गुलदाउदी। गुलदाउदी की बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं और ये बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, यहाँ पे पिंक कलर का जो आप फ्लावर देख रहे हैं ये बॉल क्रिसेंथमम है, यानी बॉल वाली गुलदाउदी। और एक 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 ही फ्लावर होता है, और इतना बड़ा इतना सुंदर फ्लावर होता है ये इसमें। ये देखिए, ये सफ़ेद रंग का है, और बीच में जो आप देख रहे हैं छोटा सा फेरी गार्डन है। बेसिकली ये एक फाउंटेन था, उसको हमने फेरी गार्डन बना दिया है सॉकुलेंट्स लगा के। और इस बार ये हमारे पिंक कलर के, येलो कलर के और वाइट कलर के बॉल गुलदाउदी थी, और ये बहुत ही सुंदर आई थी। और आप इन फ्लावर्स का साइज़ देखिए, एक्चुअली बहुत ही बड़ा है। आप ये देखिए, मेरी फिंगर और हैंड से इस फ्लावर के साइज का अंदाजा लगाइए, ये बहुत ही बड़ा और खूबसूरत फ्लावर था। और ये मेरा एक छोटा सा फेवरेट कॉर्नर है, इसमें सॉक्युलेंट्स हैं, और मैं ज्यादातर सॉक्युलेंट्स जो है वो गिफ्टेड है, मतलब मुझे कहीं ना कहीं से मिले हैं। और ये हमने बनाई थी कुछ गुलदाउदी की बास्केट्स, और इसमें भी कलरफुल गुलदाउदी है, और थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट तरह की है, कोई बटन है, कोई ऐसे ही ओपन वाली है। और ये वो अवेटेड ब्लूम है जिसको मैंने आपको पहले दिखाया था, और देखिए कुछ ग्लाइडोलियस है, कितना सुंदर कलर है इसका। और फिर से कुछ गुलदाउदी के गमले, एकदम बुके जैसे लगने लगते हैं ये। और ये हमारे बोगनवेलिया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया अपने घर में घुसते हुए, और साथ में कुछ ये हमारे गुलदाउदी हैं, बॉल गुलदाउदी, जो बहुत अच्छी नहीं है तब पर भी अच्छी है, उनको हमने बाउंड्री वॉल पे रखा हुआ है। ये जो आप ट्रेस देख रहे हैं इसमें पिटूनिया लग चुका है, ये स्प्रिंग फ्लावरिंग की तैयारी है। और अभी ये और बास्केट्स हैं गुलदाउदी की, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज की गुलदाउदी है, कलर भी बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए, मरून कलर की है, और यहाँ पे पिंक कलर की है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे पेपर का फ्लावर है। और येलो वाली तो खैर हमेशा ही बहुत अच्छी लगती है। और इन प्लांट्स की खास बात ये है कि इसमें मोस्टली प्लांट्स हम लोग घर में बनाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सब नर्सरी से लेके आते हैं, इनकी कटिंग लगाई जाती है। ये कटिंग लगाई जाती है बारिश के टाइम पे, मतलब जस्ट आफ्टर रेन्स के, ये जुलाई अगस्त में कटिंग लगती है, और सितंबर और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में गुलदाउदी लगा दी जाती है, और फिर हमें नवंबर से लेकर जनवरी तक ये ब्लूम मिलता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम। ये देखिए, ये देखिए, ये बस एक फोटोग्राफी की ट्रिक है, इसमें आपको बी दिख रही है। और अब हम चलते हैं अपने फ्लावर शो की तरफ। हेलो गाइस एंड वेलकम टू अ डे इन माय लाइफ। और आज हम बच्चों के साथ आए फ्लावर शॉप, पीछे देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत फ्लावर अरेंजमेंट्स है, और मुझे लगा कि मुझे एक्चुअली प्लांट नहीं दिखाना चाहिए। और ये यहाँ पे देखिए गेंदे का सेक्शन है, यहाँ पे तीन तीन के सेट बनाए जाते हैं, किसी पर्टिकुलर वैरायटी के आपको कम से कम तीन प्लांट्स, हेल्दी प्लांट्स होने चाहिए आपके पास में, तभी आप इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये फ्लावर शो था दिसंबर में, तब तक हमारा ब्लूम आया नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया था, बस देखने आए थे। देखिए कितना सुंदर फ्लावर अरेंजमेंट बनाया हुआ है इन्होंने, जो हमने घर में गुलदाउदी दिखाई थी ना बिल्कुल वैसी ही है। और ये कलर देखिए, ये कोई दूर से देख के कहीं नहीं सकता कि ये गुलदाउदी है, ये रोज से भी खूबसूरत है इस समय। और ये है मेरा फेवरेट सब्जियों वाला सेक्शन। ये आप लोगों ने सेट किया भैया?
सपना भाभी का है, किसका है ये? नहीं नहीं नहीं, अलग अलग के हैं। मेथी वगैरह तो हमारे यहाँ भी खूब था। मूली, मूली कितनी बढ़िया हो रही है, बहुत बढ़िया। अब वेजिटेबल्स हम लोग इसी उसमें कर नहीं पाते, छत पे करेंगे अब तो। बढ़िया, बहुत अच्छा है, आराम से बैठा। चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत फूल, और ये देखिए ये बोगनवेलिया के फूल हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं गमले। इनके बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट शेड्स थे। ये एवरग्रीन प्लांट्स हैं इधर, और बहुत सारे बॉल गुलदावदी जो हमने घर पे देखी। और यहाँ पे हम चल रहे हैं कैक्टस वाले सेक्शन में, और देखिए कितने सुंदर कैक्टस के ऊपर भी फूल आए हुए हैं, ये देखिए। और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के कैक्टस हैं यहाँ पे। और ये हैं एडेनियम्स, ये मैं आगे भी दिखाऊंगी आपको। बोनसाई सेक्शन, वाओ, सी दिस नेस्ट वगैरह सब लगा है। दिस इज कॉल्ड बोनसाई। सी यहाँ पे एक मैन बैठा है, कुछ कर रहा है। यहाँ पे ट्री है, फिशिंग कर रहा है, फिशिंग भी कर रहा है एक बैठा। किधर किधर ये बैठे हैं ना, देखो फिशिंग कर रहे हैं। अबू नहीं, अबू एरिया डेकराई का प्लांट होता है। ओके, सॉकुलेंट है। अच्छा, और अफ्रीकन ओरिजिन का है ये, इंडिया में मैंने ड्रॉप किया है। ये भी अमर गुलिक एरिया का ही है। ओके, दिस वन इज वेरी ब्यूटीफुल। कैसोलिना का प्लांट है। यार ये जेड का है ना? हाँ ये जेड है, जेड इतना छोटा है। क्या करना यार बोनसाई, इसको कैसे जेड को बोनसाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर कटिंग, ब्रांचिंग, शेपिंग। मैंने बोनसाई को वापस से ये नॉर्मल कर दिया है, उसका क्या करूँ? उन्होंने इतना अच्छा बोनसाई दिया था मुझे, और उसमें पानी डाल डाल के हमने उसे नॉर्मल प्लांट बना दिया। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ये जेड है, कितना सुंदर जेड है। ये देखिए ये भी जेड है, प्लांट की बोनसाई की लीव्स छोटी। एक्चुअली शायद इसलिए कि उन्हें कम वो चाहिए ना फूड, तो टाइम इनकी जो है लीव छोटी होती जाती है। प्लांट होगा। ओके, ओके। ये करौंदे का पेड़ है, चाइनीज करौंदा। चाइनीज करौंदा। रियांश सार्थक बेटा कुछ मत छुओ। सार्थक जी है क्या? इस स्टाइल को कहते हैं सेमी कैस्केड स्टाइल। लुक फॉर सार्थक पेरेंट्स। अच्छा, दिस स्टाइल इज नोन एज सेमी कैस्केड। सेमी कैस्केड, ब्यूटीफुल। ये रॉक प्लांटिंग होती है। रॉक प्लांटिंग, ये ना रॉक के ऊपर इसको ग्रो करा जाता है, थोड़ी सी मिट्टी एंड रॉक से कवर करते जाता है इसकी रूट्स को, तो ये ऐसे ब्यूटीफुल अपीयरेंस देता है जैसे कि पहाड़ों में निकला। राइट राइट, रॉक प्लांटिंग, अमेजिंग। ये बोगनविला है, टॉर्च ग्लो। आवाज़ सामग्री में गूगल लगता है ना? जी जी जी, ये गूगल, गूगल का प्लांट है ये। गूगल, 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 गूगल जैसे बनती है। हाँ 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 वही वही हवन सामग्री में ना गूगल पड़ता है उस। ये मेरे ख्याल से कुछ गम जैसा निकलता है इसमें से, दैट इज नोन एज गूगल। मतलब ये क्या, कैक्टस कैन बी सो ब्यूटीफुल। एलोवेरा भी है? नहीं, दिस इज नॉट। अच्छा हाँ, कोई मिनिएचर होगा एलोवेरा का।
छोटा कर दिया। बट ये तो सॉकुलेंट है नॉर्मल, ये कैक्टस है। यार कहते हैं मतलब अनएथिकली यू स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट व्हिच इज नॉट गुड। पर यार सपना भाभी हर बार जीतती है, उनके पास में 85 बोनसा है घर पे। बट बहुत अमेजिंग है यार, सादा कुछ टच नहीं करना। ये भी उन्हीं का है मेरे ख्याल से, मैंने देखा है जी। ब्यूटीफुल कंपोस्ट प्राइस कैसे पता चलता है यार? पता है मैं उसे ये कह रही थी ना, जैसे ये तो स्टिक करते हैं, दे शुड एटलीस्ट राइट द नेम ऑफ द प्लांट सो दैट वी कैन मेक आउट, और ले जाएं या फिर देखे कौन सा प्लांट है। हाँ राइट, ऐसे तो कुछ भी याद नहीं रहता। और यहाँ पे एक सेक्शन था हैंगिंग बास्केट्स का, और ये देखिए कितनी सुंदर बास्केट्स बनाई हुई हैं। ये येलो बास्केट कितनी प्यारी लग रही है, उन्होंने काफ़ी सारे प्लांट्स की इसी तरह से बास्केट बनाई हुई थी। एक डिफरेंट टाइप की बास्केट होती है जिसमें नीचे से भी आप प्लांट कर सकते हैं, जैसे हमने घर में देखी थी। अगर आप पीछे वीडियो में देखेंगे तो जो बास्केट्स है वो जूट की मेटल है, उसमें जूट है अंदर, तो उसमें नीचे भी प्लांटेशन पॉसिबल है। इन्हीं बास्केट्स में इन्होंने इतना सुंदर प्लांट किया हुआ है। ब्यूटिफुल एडेनियम्स, ओ माई गॉड लुक। मेरे पास मतलब 4 है बोनसाई एडेनियम। हाँ हाँ, पर भाई उन्हें पानी दे दे के ना, उसमें पानी बहुत उसमें साथ बहुत शैतान बच्चा है रियांश, कुछ दिन से अपने साथ रखो। और यहाँ पे एक और सेक्शन है जहाँ पे विंटर के स्पेशल प्लांट्स हैं, पॉलिसा है, बहुत तरह के प्लांट्स रखे हुए हैं यहाँ पे। ये क्लांचे है, ये हमारे पास घर में भी है, और ये देखिए कितने सुंदर और जबरदस्त कैक्टस हैं। कौन कहता है कि कांटे खूबसूरत नहीं होते, ये देखिए। तो बस इसी के साथ में मैं आज का वीडियो एंड कर रही हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बताइएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए बाय बाय, हम फिर मिलेंगे अपने इंटरेस्टिंग वीडियो में। टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।